अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम ज़िशान है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाउ टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस इन दुबई, कि आप लोग दुबई के अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे होंगे, आपको क्या बेनिफिट होगा अपनी जॉब सर्च के अंदर, और आपको कौन कौन सी जॉब जो है वो बेहतर जॉब मिल सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो के लेबर तबका है, जो मजदूर हैं उनके लिए, ड्राइवर हजलात के लिए, और उसके अलावा जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सब के लिए भी इसमें क्या फ़ायदा है। तो इसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना करता चलूँ कि दुबई जो है मोस्टली जो लोगों के माइंड में है वो है जी दुबई एक कंट्री है, एक मुल्क है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी दुबई कोई कंट्री या मुल्क नहीं है, ये एक रियासत है। इस मुल्क का जो नाम है इसको कहते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसकी 7 रियासतें हैं जिसमें से सबसे पहले जी अबू धाबी आता है, अबू धाबी के बाद जो है आपका आ जाता है दुबई, दुबई के बिल्कुल साथ ही आपका आता है शारजा, उसके बाद आपका है अजमान, अजमान के बाद उम्मुल कुवैन है, और उसके बाद है रासल खैमा। ये इसकी 7 रियासतें बनती हैं। तो इन टोटल को मिला के हम कहते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात। दुबई चूँकि एक बुलंदो बाला बिल्डिंग्स वहाँ पे बनी हुई हैं उनकी वजह से बहुत फेमस हो गया, तो पूरी दुनिया में उसको जाना जाता है कि दुबई एक मुल्क है। बहुत से लोगों का ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक की तरफ आने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर वीडियो नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए जी। तो नाज़रीन मैं स्टार्ट करना चाह रहा था कि जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है इसको आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं जी। तो हम लोग बात कर रहे थे जी दुबई के अंदर हम ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है जो बहुत अहम होती हैं। आज से एक दो साल पहले की जो बात है उसके अंदर एक नया कानून आया था कि कोई भी जो शख्स है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए चाहता है तो उसके लिए अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ाइल ओपन करनी पड़ती है। उस फाइल को ओपन करने के लिए वो कंपनी से अपना NOC लेता था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि वो होना बहुत ज़रूरी था उसकी फ़ाइल ओपन होने के लिए, यहाँ के एक रूल्स के अंदर शामिल था। लेकिन अब क्या हो गया एक दो साल के से कि वो NOC जो है इन लोगों ने वो ख़त्म कर दिया हुआ है कि अब आपके पास जो आपका एमिरेट्स ID है, जो अमारात का जो ID कार्ड है आपका, आप जस्ट वो लेके जाते हैं तो उसी की बुनियाद पर आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाती है। इनिशियली जो कॉस्ट आती है इसके अंदर वो डिफरेंट होती है कि अगर आप मजदूर तबका से हैं तो आपके लिए थोड़े डिफरेंट चार्जेस होंगे, अगर आप लोग प्रोफेशनल्स हैं तो आपके लिए डिफरेंट चार्जेस होंगे। तकरीबन जो है वो आपके 1400 से 1500 दिरहम जो है वो आपके स्टार्टिंग के अंदर आपको पे करने होते हैं। तो आपकी क्या हो जाती है, एक फ़ाइल ओपन हो जाती है। अब फाइल ओपन होने के बाद उसका आगे का फर्दर प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपनी पार्किंग जो टेस्ट है उसको क्लियर करना होता है। पार्किंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी क्लासेस लेनी होती हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे पार्किंग किस तरह की होती है। दो तरह की यहाँ पर पार्किंग होती है नॉर्मली, एक होती है L पार्किंग होती है और एक होती है पैरेलल पार्किंग। ये दो ही तरह की होती है कि इसको आप लोग बस इसकी क्लासेस लेनी है, आपने इसको पास आउट करना है, उसके बाद आपका क्या होगा ड्राइविंग लाइसेंस कि एक जो है पॉइंट वो आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर मैं आपको ये बताना, एक और चीज़ बताना भूल गया हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस दो तरह के हैं आपके पास, एक मैनुअल है और एक आपके पास है ऑटो। तो नॉर्मली क्या होता है बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी एक ख्वाहिश होती है कि जी हम लोग मैनुअल ले लें, और मैनुअल की नस्बत जो है उसमें आप ऑटो भी ड्राइव कर सकते हैं। और कुछ बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं यार ऑटो भी ठीक है, ओके मैनुअल की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो मैनुअल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो गाड़ियाँ हैं वो सब ऑटो हैं। तो जो ड्राइवर हजरात हैं उनमें से कुछ लोग होते हैं कुछ कंपनीज के अंदर जो मैनुअल गाड़ियाँ भी होती हैं तो वो रिकमेंड करते हैं कि आपके पास मैनुअल लाइसेंस होना चाहिए, तो ये अच्छा है। कुछ लोग हैं वो मैनुअल ले लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जी दोबारा उसी बात की तरफ आ रहे हैं हम लोग कि पार्किंग आप लोगों ने जब पास आउट कर लेना, पार्किंग पास आउट करने के बाद आपका आ जाता है एक थ्योरेटिकल। उसमें आपको क्या होता है कि जो थ्योरी पढ़ाई जाती है उस थ्योरी के अंदर आपके कुछ लेक्चर्स होते हैं,
वो आपने सिलेक्ट करना होता है जब आप क्लासेस के लिए जाते हैं, टाइम लेने के लिए, डेट लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपसे वो पूछ लेते हैं कि आप क्लासेस कौन सी ज़बान में लेना चाहते हैं, इंग्लिश में लेना चाहते हैं, अरबी में लेना चाहते हैं या उर्दू हिंदी में लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे वो आपकी टोटली सिलेक्शन होती है, जो आपको इजी लगता है आप उसमें ले सकते हैं। इससे लाइसेंस के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना ही चार्जेस के ऊपर कोई फ़र्क आएगा। वहाँ पे आप लोग अपनी जब सिलेक्शन कर लेंगे तो फिर आपकी एक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस क्लासेस के अंदर क्या होगा आपका कि आपको प्रॉपरली पूरा एक गाइड किया जाएगा, आपको जितने भी रोड सिग्नल्स हैं, साइंस हैं, सब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और उसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको एक बुक भी दी जाएगी। उस बुक के अंदर भी वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको वहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर जो टीचर हैं वो आपको बताएंगे क्लास के अंदर। उसी की बुनियाद पे आपका एक टेस्ट होगा जो कि आपका कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा, वो MCQs बेस होगा। उस टेस्ट को आपने पास करना होगा। वो टेस्ट पास हो जाएगा तो आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जब आप पहला अपना पार्किंग क्लियर करेंगे तो आपको एक कार्ड इशू होगा, उस कार्ड के ऊपर 3 डॉट्स होंगे। वो पार्किंग क्लियर करने के बाद जब आप आ जाएंगे यहाँ पे अपना थ्योरेटिकल क्लियर करेंगे, थ्योरेटिकल क्लियर होने के बाद वो एक डॉट को जो है वो पंच कर देंगे, उसको पिंच कर देंगे, सुराख कर देंगे उसमें से, ताकि आपके जो है वो फर्स्ट स्टेज एक क्लियर हो गई है। सेकेंडली उसके बाद आपका क्या आ जाता है, बिलहासा। बिलहासा क्या होता है कि एक फाइनल जो ट्राई होती है उससे पहले आपकी एक प्री एक ट्राई उसको कह लें आप, वो होती है कि आप वहाँ पे पहले अपने ट्राई देके उसको क्लियर करते हैं और उसके बाद आपकी फ़ाइनल ट्राई होती है। अब बिलहासा के अंदर क्या प्रोसीजर होता है कि बिलहासा के अंदर आप सबसे पहले जाते हैं, आप वहाँ पे कुछ क्लासेस लेते हैं। अब क्लासेस लेने के लिए जो ड्राइविंग क्लासेस होती हैं, यहाँ पे कुछ प्राइवेट स्कूल्स बने हुए हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपने लाजमी लेनी होती हैं क्लासेस। उसके बगैर जो है आपका लाइसेंस वो कंप्लीट नहीं हो सकता, मतलब आप आगे रोड की जो ट्राई है वो नहीं दे सकते। उन क्लासेस के अंदर क्या होता है, डिपेंड करता है कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं। अब जैसे मैं रसल खैमा की बात करूँगा, मैंने रसल खैमा से लाइसेंस लिया हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है आपकी 5 क्लासेस होती हैं। आप बिलहासा के थ्रू भी ले सकते हैं वो क्लासेस, आप बाहर कोई प्राइवेट स्कूल है वहाँ से भी ले सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनके चार्जेस होते हैं 50 दिरहम पर आवर के, और वो लोग ये देख भी लेते हैं कि हाँ आपका हाथ कितना सेट हो रहा है। अगर कोई शख्स जिसको कि ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती तो वो भी इजीली अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है, उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। एक तो ये चीज़ होती है। सेकंड, आपने जब वो क्लासेस ले लेंगे तो ड्राइविंग स्कूल वालों की तरफ से आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर के बेस पे आप जाएंगे बिलहासा में जाके अपने एक टेस्ट की जो टाइम लेंगे, डेट लेंगे, वो आपको उसकी डेट देंगे, उस डेट के ऊपर आपका एक टेस्ट होगा। वो बिलहासा का जो है इंस्पेक्टर वो जाके आपका टेस्ट लेगा। अगर आप वो टेस्ट पास आउट कर लेते हैं तो आपके 2 स्टेजेस क्लियर हो गए। उसके बाद लास्ट है आपका जो कि पुलिस की यहाँ पे ट्राई होती है, पुलिस मतलब कि अमारात में उसको शुरता कहते हैं, उसकी ट्राई होती है, वो आपने क्लियर करना होता है, वो लास्ट है आपकी। जब आप उसका, उसके लिए आपको किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने उसका एक टाइम लेना है, जाके आपने क्या करना है वो टेस्ट को देना है उनको। वो भी सेम लाइक जैसे बिलहासा है वैसे ही है, शुरता आपके साथ बैठा होगा, वो आपको कहेगा जी आप गाड़ी को ड्राइव करें, आप रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करेंगे, और जैसे जैसे वो आपको कहता जाएगा उसी तरह आपने उसको लेफ़्ट राइट टर्न करते जाना है। और ये सब रूल्स को आपने फॉलो करना है, जो भी रूल्स हैं जो आप बिलहासा में जब आप क्लासेस लेंगे गाड़ी ड्राइव करने के लिए, उस टाइम जो आपको बताए जाएंगे उन सब रूल्स को आपने अपने माइंड में रखना है, उसी तरह आपने ड्राइविंग करनी है, तो आप इंशाल्लाह ताला अपना ड्राइविंग लाइसेंस पास कर लेंगे, इसमें इशू नहीं है। अब नेक्स्ट जो है, जो अभी तो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ये एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है। इस टोटल प्रोसीजर के अंदर क्या होता है जी आपका, आप क्लासेस के लिए कुछ पैसे देते हैं 50 दिरहम के हिसाब से, वो आपकी कितनी क्लासेस होती हैं आप पे डिपेंड करता है, आप 5 क्लासेस ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें, आपकी उतनी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आपने टाइम लेना होता है उसके लिए वहाँ पे कुछ फ़ीस होती है, उनकी 100 या 200 इतनी उनकी फ़ीस होती है, 100 दिरहम 200 दिरहम इतनी होती है। तो कुल मिला के जो आपका टोटल एक ख़र्चा आ जाता है एक लाइसेंस को लेने के लिए, वो तकरीबन आपका कोई 4000 दिरहम तक आपका ख़र्चा आ जाता है।
लेकिन मैं फिर आपको बताता चलूं कि ये जो 4,000 तक खर्चा आता है, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल से मुराद जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये उनके लिए है। जो लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जो कि नॉर्मल एक ड्राइविंग के लिए यहाँ पे आते हैं या कोई मज़दूर तबके से हैं, तो उनके लिए कुछ उनके चार्जेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा नहीं है, 1,000 दिरहम का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब उनका 5,000 दिरहम में हो जाएगा। जो प्रोफेशनल्स हैं वो तकरीबन 4,000 दिरहम में अपना लाइसेंस ले लेंगे। अब लाइसेंस लेने के बाद आपको क्या फ़ायदे होते हैं, ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बताऊँगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा इसकी सारी। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अस्सलाम वालेकुम।